बिल्कुल, मैं इस वक्त खटरों की जो है एम शाहरा पर, मेन शाहरा पर मैं मौजूद हूँ। और आपको बताना चलूँ कि जिला सांगढ़ की तहसील शिदादपुर में जो कुरान पाक की बेरहमती की गई है, उसके जो खिलाफ जमायत इस्लामी खटरों की जानिब से जो कि किया जा रहा है और रैली निकाली गई है, और जो है गुस्ताख नबी की एक की सजा, सरपंच से जुदा सरपंच से जुदा की जो है नारेबाजी भी की जा रही है। आपको बताते चलूँ कि खटरों की जो है तमाम दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, और जो ट्रैफिक के हवाले से मैं आपको बता, तो ट्रैफिक की जो रवानगी अपने मामूल के मुताबिक जारी है। मजीद जानते हैं रैली के शुरुआत सेनों का क्या कहना है। हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कुरान पाक की बेहरमती हो और हम भी अरे इस्लामी जमीन पाकिस्तान है। हमारे हुक्मरान ऐसे हुक्मरान हैं जिनके सर के अंदर खुद भी नहीं। कुरान इस्लाम और शिदायान इस्लाम का ये एहतजाज और ये एहतजाज रैली इसलिए निकाली गई है कि मुल्क के पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वक्तन फवक्तन किसी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है नऊज़ बिल्लाह, और किसी वक्त कुरान पाक जो अल्लाह का कलाम है उसका ही मजाक उड़ाया जाता है या उसकी बेहरमती करते हैं। तो ये खटरों का ये बहुत बड़ा एहतजाज ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि फ्रांस के सदर की गुस्ताखी के मुकाबले में हमें फ्रांस से शदीद किस्म का एहतजाज करना चाहिए और फ्रांस से तमाम सफारती ताल्लुक खत्म करने चाहिए और फ्रांस से पाकिस्तान के सफीर को वापस बुलाकर और पाकिस्तान में जो फ्रांस का सफीर है उसे फौरी तौर पर बेदखल करना चाहिए कि सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी मुजरिम को या किसी भी किस्म के शख्स को जो है कुरान पाक की बेहरमती की इज्जत ना हो। कैमरा टीम के साथ आज़ाद अहमद अली, HNN न्यूज़, खडरो।